अगर आपको बुरा ना लगे तो आपकी हल्दी की शुरुआत हम करना चाहेंगे। किसने कहा सितारा की मां नहीं है? अगर आप बुरा ना माने तो सितारा को हल्दी का पहला हाथ मैं लगाना चाहूंगी। वो क्या है, सितारा को मैंने अपनी अपनी बच्ची माना है, तो मैं सोच रही थी कि अगर दैट इज इफ यू डोंट माइंड प्लीज। ऑफ कोर्स नॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है वृंदा जी, आइए ना। इन्हें क्या हो गया है, अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है इन्हें मुझ पर? असली मां हूं तुम्हारी, इतना हक तो बनता है मेरा। मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ सितारा। ये लो सितारा, थोड़ी ताकत की जरूरत है तुम्हें, लो पी लो। नहीं, मैं ठीक हूं। यू नीड इट सितारा, ले लो। सितारा पी लीजिए, आज पूरे दिन कुछ खाते पीते रहिएगा, इतना सब कुछ है, अभी तो मेहंदी, संगीत, शादी, सब कुछ बचा है, थक जाएंगी आप। हाँ सितारा, बड़ी रानी ठीक कह रही है, थोड़ा सा पी लो। इतनी अच्छी तो नहीं है ये चारों जितना दिखा रही है, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। पी लीजिए। अरे बस 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 बस, अब बाकी बचा जूस तुम्हारी सासू माँ पिएंगी। वो लक्ष्मी जी, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शगुन की पहली ड्रिंक सास और बहू शेयर करते हैं। कहते हैं इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और शादी के बाद दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो I hope you don't mind. अच्छा चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम सितारा का जूठा जरूर पिएंगे। रानी माँ, अगर मेरा जूठा पिएगी तो मेरा जहर उनके अंदर फैल जाएगा। अब कैसे रोकोगी अपनी सच्चाई बाहर आने से सितारा डालें? लीजिए लीजिए लक्ष्मी जी। बिना अपने असली रूप में आए सितारा लक्ष्मी के अंदर से जहर कैसे निकाल पाएगी? और जैसे ही पता चलेगा ये विष कन्या है, ये शादी टूट जाएगी। सितारा, ये क्या किया तुमने? तुम नहीं चाहती तुम्हारा और भाभी सा का रिश्ता अच्छा हो? बिल्कुल चाहती हूँ छोटी रानी सा। तो पर बड़ी रानी माँ मेरी माँ की तरह है और मैं अपनी माँ को अपना झूठा नहीं दे सकती। वो मुझसे बड़ी है और मेरा झूठा पीना इन पे शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इनका झूठा पीऊंगी।
ये लीजिए रानी माँ, पहले आप पीजिए फिर मैं पीऊंगी।